हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं राजकुमारी, मेरे चैनल राजकुमारी ऑफिशियल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, मेरी तरफ से सभी बहनों को दसवें माता व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ और अभी है ना मैं थाली लगाऊंगी पूजा के लिए। तो फिलहाल फ्रेंड्स, मैंने जो आधी थाली तो मैंने लगा ली है और अब मैं जाऊँगी फ्रेंड्स टेरेस पर। तो टेरेस से ही है ना जो मैं फ्लावर लेके आऊँगी पूजा के लिए, क्योंकि घर में लग रहे हैं तो घर से ही लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं। और फ्रेंड्स, मैं टेरेस पर ही जा रही हूँ, फटाफट से फ्लावर ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, फ्लावर आ चुके काफ़ी अच्छे अच्छे, तो ले लेते हैं। सबसे पहले कनेर के लेते हैं, वो सॉरी गुड़हेल के। देखिए फ्रेंड्स, और एक इधर भी आया हुआ है। गुड़हेल के हो गए, अब लेंगे कनेर के। और देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे फ्लावर आए हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे तोड़ लेती हूँ, गिर गए नीचे। और फ्रेंड्स, लाइट जलानी पड़ेगी मुझे, लाइट जला लेती हूँ। तो सारे फ्लावर है फ्रेंड्स, एक बार में पानी का थोड़ा छिड़काव लगा लेती हूँ ताकि फ्लावरों में ताजगी बनी रहे। ये देख लीजिए, तो फ्लावर रख देती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ना जो पूजा की थाली सजा ली है, ये देख लीजिए, रोली है, दीपक है, जल है और फूल वगैरह गार्डन से लेके आ चुकी हूँ मैं। तो देखिए, मैं ना पूरी रेडी हो चुकी हूँ अब जाने के लिए, बस थोड़ी देर में निकलूँगी। फ्रेंड्स, मैंने थाली रेडी कर ली है, बिल्कुल पूजा की सामग्री सब जमा ली है। और फ्रेंड्स, मैं ना जा रही हूँ पूजा करने, तो बन रही वीडियो में, वीडियो भी अच्छा होने वाला है। मम्मी है जो पूजा करने जा रही है, मम्मा की मैं थाली पकड़ूंगी और मम्मी नीचे उतरेगी आराम से, दोनों हाथों से। हाँ हाँ, गिर नीचे दोनों हाथों से। अब मम्मी जा रही है पूजा करने। और फ्रेंड्स, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो वहाँ पर मैं जा रही हूँ, देख लीजिए। ले लगाओ हाथ। और देखिए, हम यहाँ पर सभी पूजा करके एक पीपल के वृक्ष के यहाँ पर आ गए हैं। और आज दसवें माता के दिन पीपल की पूजा करना भी बहुत जरूरी होता है। तो ये हमें जो मन्नत का धागा है, जो लच्छा होता है जिसके लपेटते हैं, ये फ्रेंड्स बहुत ही शुभ माना जाता है। और जो पीपल का वृक्ष था फ्रेंड्स, बिल्कुल नहर के जस्ट किनारे था, तो निकलने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, रुक के निकलना पड़ा हमें, देख लीजिए धीरे धीरे से। और दो ये देखिए फ्रेंड्स, हम धीरे निकल के, और ये और देखिए, सभी पीपल की भी पूजा कर ली है। यही बच्चा, वो तो नहीं एक उधर है, वो भी उसने भी परकम्मा नहीं किया है, वो देखा ना, बोला ना हरा, नहीं नहीं वो दिख रहा ना। और अब चल रहे हैं घर पर, चलिए। और देखिए फ्रेंड्स, मैं पूजा करके आ चुकी हूँ और गर्मी लगने लग गई है बहुत तेज़ की धूप में। और पीपल की पूजा कर ली है सभी भाभी जी ने, सब में बैठ कर अच्छे से पूजा हो चुकी है। और फ्रेंड्स, अभी टाइम हो चुका है, 2:30 बज चुकी है, और शाम तक के वीडियो में बने रहना। क्या क्या करती हूँ आज,
खाने की खिचड़ी बना रही हूँ, सिंपल तरीके से बना रही हूँ क्योंकि व्रत में शाम को खोलूंगी, थोड़ा सा थोड़ा साबुदाना खिचड़ी खा लूंगी तो थोड़ी हो जाएगा। और फ्रेंड्स शाम हो चुकी है और मैं 3 घंटे के लिए ना कहीं बाहर गई थी, मतलब कोटा में ही थी काम के लिए, और 3 घंटे में जाकर मेरा काम हुआ और अभी मैंने दिया बत्ती कर दी है भगवान जी के। और अभी है ना फ्रेंड्स मैं सूजी का हलवा बनाने जा रही हूँ, तो आपको दिया बत्ती देख लीजिए कर दी है, बेक करके दिखाती हूँ। बत्ती कर दी है मैंने, ये देख लीजिए भगवान जी क्यों। मैंने रसोई में जा रही हूँ तो दाल और बाटी बन रही है और फिर मैं बनाऊँगी, और देखिए अब मैं बनाऊंगी सूजी का हलवा। तो ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है जो कट कर रही है बेटी, और अभी मैंने जो बस खाना तो हमने बना लिया है, और कह रही हूँ मम्मी खाना हमने बना लिया है क्योंकि फ्रेंड्स मैं भी कोई काम से गई थी तो मुझे भी तो टाइम लगा ना वहाँ पे जाने के लिए, तो कोई बात नहीं। और अभी है ना जो फ्रेंड्स बाहर है ना जो आंधी और तूफान जैसी है ना जो बारिश आ रही है, मौसम बहुत ख़राब हो गया अभी शाम के टाइम, और बस अभी मैं सूजी का हलवा बना लेती हूँ। देखिए आज इन्हें घी निकाला था क्रीम से, दूध की मलाई से, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स कट कर रही है बेटी, और अब मैं सूजी बना लेती हूँ। तो सूजी का तो फ्रेंड्स हम पैकेट लेके आते हैं, तो ये देख लीजिए बनाने लगी सूजी का हलवा, और अभी मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। सूजी मेरी सिक चुकी है और बस थोड़ी सी और है, देख लीजिए ना सूजी सिक चुकी है, और मैंने है ना जो सूजी सेक के थाली में निकाल ली है, तो अभी आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। देखो मैंने हल्का ब्राउन कर लिया है, इधर थोड़े ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए हैं, और ये चीनी है थोड़ी पिसी हुई पहले की रखी हुई है और ये मिला ली है, और पानी है ना जो बॉईल होने के लिए डाल दिया है, और अब इसके अंदर फ्रेंड्स मैं शुगर डाल रही हूँ, ये तो मीठा आपके हिसाब से कर सकते हैं। तब तक इसको उफान आएगा ना फ्रेंड्स, तब तक इसको पकाना है, फिर इसमें सूजी डालूंगी। देखिए फ्रेंड्स पानी जैसे ही उफान पाएगा तब मैं जाके इसमें सूजी ऐड करूँगी, सूजी डालूँगी धीरे धीरे। और देखिए फ्रेंड्स मैंने सूजी डाल दी है और थोड़ा थोड़ा घी डाल दिया है, और इसको फूलने के लिए छोड़ूंगी थोड़ी देर के लिए, हिलाती रहना है कंटिन्यू। देखिए फ्रेंड्स मैंने घी डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया, एक साथ में नहीं डाल दिया, देख लीजिए। और सूजी में घी से बनती है सूजी का हलवा, और कुछ ड्राई फ्रूट्स है फ्रेंड्स तो इनको मैं डाल देती हूँ, थोड़ा सा पूरे डाल देती हूँ फ्रेंड्स मैं तो। देखिए फ्रेंड्स अब सूजी का हलवा बनने वाला है, देखिए हाँ, इसी हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स अब बिल्कुल बनने में है, थोड़ी धीमी गैस कर दी मैंने, और ये देखिए देखिए खाना बनकर रेडी हो चुका है। तो अब मैं खोलूंगी व्रत, तो फ्रेंड्स जो खाने में बना है वो एक बार आपको थाली दिखा देती हूँ। ये सूजी का हलवा है, नमकीन है, दाल है, और ये बाटी है, और फ्रेंड्स एक सब्जी और बनी है टमाटर की, पर मैं नहीं खाती हूँ, ये देख लीजिए खोल के फिर आपसे। और देखिए फ्रेंड्स मैंने खाना खा लिया है, और जो आज दस्य माता का जो व्रत होता है ना फ्रेंड्स हमारे राजस्थान में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि जो घर की जो दशा होती है ना, मतलब घर में सुख समृद्धि के लिए ये व्रत किया जाता है, तो फ्रेंड्स साल में एक बार आता है, और ये होली के 10 दिन बाद आता है, जिसे दशमी को करते हैं ये व्रत। और आज मेरा व्रत दिन भर अच्छा निकला, और कोई काम से मैं गई भी थी और वो काम मेरा हो भी गया है, और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा, और खाना वाना खा लिया है, और मौसम बेकार हो रहा है आज। रोज़ हम खाना खा के फ्रेंड्स छत पे है ना टेरेस पे घूमने जाते थे, पर आज टेरेस पे नहीं जा सकते क्योंकि बारिश आ रही है झमझम झमझम। और बस आज के वीडियो में इतना ही है, अगर आज का मेरे वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।